दोस्तों यस बैंक की बात करें स्टॉक के अंदर हमने काफी अच्छी आज तेजी देखी है और स्टॉक काफी ज्यादा बुली जोन में दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो तो जबरदस्त वॉल्यूम में बढ़ोतरी भी हो रही है और आने वाले समय में यहाँ पे फिर से पॉजिटिव माहौल बन सकता है इसके पीछे वजह सिर्फ यस बैंक नहीं पूरे बैंकिंग सेक्टर है आने वाले समय जिस तरह से आर की तरफ से जो डिसीजन लिया है उस डिसीजन के बाद में यहाँ पे बैंकिंग शेयरों में बहुत ज़बरदस्त चमक आने लगी है और एफ की तरफ से जो रिपोर्ट निकल के आ रही है उनका निवेश फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है इसका मतलब आने वाले समय में बैंकिंग शेयरों में बहुत ही अच्छी तेजी बन सकती है और वैसे अगर आप देखें तो यस बैंक का स्टॉक जो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट भी हो चुका है और बहुत ही निचले लेवल पर मिल रहा है तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है क्योंकि यस बैंक की जो प्रॉब्लम थी उसका निपटारा अब होने जा रहा है यस बैंक की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो था उसका बैड एन वो अब धीरे धीरे खत्म होता हुआ दिखाई देगा जब एआरसी के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा दूसरी तरफ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी आने वाला है दो फॉरेन इन्वेस्टर फॉर्म है वो यहां पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और उसके बदले में वो यहाँ पे हिस्सेदारी भी लेंगे यस बैंक के अंदर यानी वो बोर्ड के सदस्य बनने वाले हैं दूसरी तरफ यस बैंक लगातार अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके पास जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसी के दम पर उनको आरबीआई ने पायलट जो लॉन्चिंग है डिजिटल की उसमें शामिल कर लिया है ये बहुत बड़ी बात है एसबीआई और आईसीआईसी बैंक के साथ में तो आप समझ सकते हो कि यस बैंक वाकई में मजबूत है तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए यहाँ पे बहुत सारी अपडेट है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या यस बैंक में अब एक नई हाई बन सकती है पुरानी हाई वैसे 18.20 पॉइंट टू जीरो की है क्या उसको तोड़ के अब नई हाई बना सकता है वैसे स्टॉक आप देख सकते हो तो 18 के ऊपर जा नहीं पा रहा है तो क्या इस समय 18 के ऊपर जाने की संभावना है इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस करें तो स्टॉक की शुरुआत सेवनटीन पर हुई और 17.45 का लो भी बना हाई है 17.80 का अंत में क्लोजिंग 17.75 पर रही यानी ऊपर की तरफ एक क्लोजिंग है एक अच्छी बात रही 1.72 परसेंट की हमने अच्छी खासी तेज़ी देखी है पिछले सिक्स मंथ की बात करें स्टॉक ने थर्टी फोर परसेंट का जबरदस्त रिटर्न दिया है आपको ये पता ही होगा स्टॉक काफ़ी समय तक ट्वेल्व रुपीज थर्टीन रुपीज़ के आसपास रहा फिर वहां से जो दौड़ा तो ये स्टॉक इस समय अपने ऊपरी लेवल के आसपास है और काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रहा है अब यहाँ पे देख सकते हो कि वॉल्यूम में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो रही है पिछले एक महीने पहले इसका थर्टीन करोड़ का वॉल्यूम था फोर करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी वन वीक पहले 17 करोड़ का वॉल्यूम होता और सिक्स करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी कल फिफ्टीन करोड़ भी का वॉल्यूम होता फोर करोड की डिलीवरी उठाई गई थी लेकिन आज सेवेंटीन करोड का वॉल्यूम है वापस यानी वॉल्यूम में जबरदस्त उछाल है और जिस तरह से वॉल्यूम में बढ़ोतरी हो रही है ये इशारा है कि पे बड़े फंड हाउस अब फिर से अच्छी खरीदारी शुरू कर चुके तो आने वाले समय डेफिनेटली पे तेजी बनती हुई दिखाई देगी और हमने आज देखा है कि काफी अच्छी बड़ी डील हुई है जिसमें बड़े फंड हाउस ने जमकर खरीदारी भी की है पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में यस बैंक आज नंबर तीन पे था तो काफ़ी शानदार वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है अब यहाँ पे अगर हम निफ्टी फिफ्टी की बात करें तो एटीन थाउजेंड सिक्स नाइन के स्तर पे क्लोजिंग दी है जहाँ पे पॉइंट टू सिक्स परसेंट की हमने तेजी देखी और काफ़ी दिन के बाद आज बाज़ार में हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है लगातार निगेटिव क्लोजिंग हो रही थी लेकिन आज पॉजिटिव क्लोजिंग एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है और इसके पीछे वजह आरबीआई बी आई की तरफ से लिया गया डिसीजन भी जिस वजह से बैंकिंग शेयरों में हमने चमक देखी है निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फोर्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाइन्टी सिक्स के स्तर पर वन पॉइंट वन सिक्स परसेंट की तेजी थी निफ्टी पी बैंक में बहुत ही जबरदस्त तेजी थी यानी फोर के स्तर पर थ्री की बम्पर तेजी एक तरह से सरपट दौड़े हैं पीएस बैंक लेकिन प्राइवेट सेक्टर आप देख सकते ट्वेंटी टू के स्तर पर वन की तेजी थी तो कुल मिला के आज सरकारी बैंकों का दिन था काफी शानदार प्रदर्शन किया और इसी वजह से आज हमें बाजार में पॉजिटिव क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी अब इसके पीछे वजह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो डिसीजन लिया गया थर्टी फाइव बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई यहां पे आप देखें रेपो रेट बढ़ाई गई है और यह लगातार मॉनिटरी पॉलिसी में यह डिसीजन लिया गया है कि आपको इसमें आपको थर्टी फाइव बेसिस पॉइंट की और बढ़ोतरी करनी है और इसके बाद में आप देखें तो माहौल पूरा पॉजिटिव बना हुआ है तो फिलहाल आप देख सकते हो तो रेपो रेट में 35 फाइव बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी के साथ में 6.25 पॉइंट परसेंट हो गया है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आने वाले समय जो इन्फ्लेशन है वो 4 परसेंट से ऊपर रह सकता है आने वाले 12 मंथ में और इसी के हिसाब से उसको मद्देनजर रखते हुए ये 35 फाइव बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है इसके अलावा अगर आप देखें तो जी डी का अनुमान है फाइनेंशियल टू थाउजेंड के लिए जो पहले सेवन के आसपास था उसको अब घटा के सिक्स किया गया है अक्टूबर से लेकर दिसंबर की जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो ये 4.4 परसेंट के आसपास रहने की संभावना है इसके अलावा जनवरी से लेकर मार्च तक की जो फोरकास्ट जीडीपी ग्रोथ का जो अनुमान है वो 4.2 परसेंट के आसपास रहने की संभावना है अक्टूबर से दिसंबर की बात करें सीपीआई इन्फ्लेशन जो आने वाले समय में सिक्स परसेंट से बढ़ते हुए यहाँ पे 6.5 परसेंट का जो अनुमान था वो 6.66 परसेंट के आसपास जा सकता है यानी 2022 दिसंबर तक आपको यहाँ पे इन सी पी इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इसके अलावा अगर आप देखें तो जनवरी से मार्च 2023 के लिए जो यहाँ पे अनुमान लगाया गया सी इन्फ्लेशन का वो फिलहाल देख सकते हो फाइव पॉइंट एट उसकी जगह पर उसको फाइव कर दिया गया यानी उसको बढ़ा दिया गया यानी इन्फ्लेशन बढ़ सकता है इसके अलावा आने वाले अप्रैल से जून के लिए जो अनुमान लगाया गया इन्फ्लेशन का वो फाइव के आसपास है और आप देख सकते हो कि सी पी इन्फ्लेशन जुलाई से लेकर सितंबर 2023 के बीच में 5.4 परसेंट के आसपास रहने की संभावना है यहाँ पे अच्छी बात यह रही कि एफ फ्लो इस बार बड़ा है करीब 22.7 बिलियन डॉलर्स के आसपास रहा है अप्रैल से लेकर अक्टूबर के बीच में जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो ये 21.3 बिलियन डॉलर के आसपास था तो एक काफ़ी अच्छी बात है कि इस बार एफ डी आई यहाँ आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा इन्वेस्टमेंट अब पिछले अक्टूबर महीने की सुस्ती के बाद एफ ने नवंबर में अच्छी खासी बाजार में खरीदारी शुरू कर दी है एफ का जो इन्वेस्टमेंट है वो थर्टी सिक्स थाउजेंड के आसपास रहा है इंडिया के बाजार में इक्विटी मार्केट में एफए की तरफ से करीब सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी रूपी का नया इन्वेस्टमेंट किया गया नवंबर महीने में और जो उनका इन्वेस्टमेंट आया उसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो है फाइनेंशियल सर्विस जिसमें बैंक भी आते यहां पर इन्होंने करीब टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी थ्री को का इन्वेस्टमेंट किया है उसके बाद जो सेकंड है वो है कंज्यूमर सर्विस जहाँ पर उन्होंने वन थाउजेंड वन हंड्रेड फिफ्टी सेवन को का इन्वेस्टमेंट किया उसके बाद में कैपिटल गुड्स जहाँ पे वन थाउजेंड नाइन्टी एट को का इन्वेस्टमेंट किया है और फिर ऑयल और गैस सेक्टर में वन थाउजेंड नाइन करोड़ रुप का इन्वेस्टमेंट किया उसके बाद में इन्होंने आई टी सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट किया काफी से जो आईटी से से की थी अब एफआई फिर से आईटी सेक्टर में निवेश इन्होंने एट हंड्रेड फिफ्टी फोर इन्वेस्टमेंट किया है वो सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड करोड़ का है। तो ये जो मुख्य सेक्टर है जिसमें निवेश किया गया तो आप देख सकते हो कि जो बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है वो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में ही आया और ऐसे में आप देखते हो तो आने वाले समय में यहाँ पे हमें सारे बैंकिंग शेरों में अच्छी तेजी तैयारियों दिखाई दे सकती है स्पेशली आप देखें तो आज हमने कुछ बड़ी डील देखी जो इशारा करिए कि यस बैंक में भी अब एफ की तरफ से निवेश शुरू हो चुका है आप देखते हो तो सुबह बाज़ार खुलते ही नौ बजकर तैंतीस मिनट पर सेवनटीन पॉइंट फाइव फाइव की प्राइस से करीब थर्टी नाइन लैख थर्टीन थाउजेंड शेरों की एक बड़ी खरीदारी हुई फिर दस बजकर एक मिनट पर सेवेंटीन पॉइंट सिक्स जीरो की प्राइस से ट्वेंटी फोर लैख थर्टी एट थाउजेंडेंड शरों की एक और शानदार खरीदारी हुई फिर दस बजकर पंद्रह मिनट पर 17.60 पॉइंट सिक्स जीरो की प्राइस से ट्वेंटी लाख एटीन थाउजेंड की खरीदारी हुई फिर दस बजकर सोलह मिनट पर 17.60 पॉइंट सिक्स जीरो की प्राइस से ही 12 लाख एटी एट थाउजेंड की एक और बड़ी खरीदारी हुई उसके बाद अगर आप देखें तो दस बजकर इक्कीस मिनट पर 17.70 की प्राइस से ट्वेंटी फाइव लैख सिक्सटी एट थाउज़ेंड की ज़बरदस्त खरीदारी हुई और उसके बाद आप देखें तो एक बजकर सत्रह मिनट पर सेवनटीन पॉइंट सिक्स जीरो की प्राइस से ही थर्टी फोर लैख सिक्सटी नाइन थाउजेंड की शानदार खरीदारी की गई फिर एक बजकर सत्ताईस मिनट पर सेवनटीन पॉइंट फाइव फाइव की प्राइस है ट्वेंटी फोर लैक फोर्टी फोर थाउजेंड शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी की गई और उसके बाद अगर आप देखें तो दो तो बजकर नौ मिनट पर सेवेंटीन लैक सिक्सटीन थाउजेंड शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी की गई तो आप ये देख ही सकते हो कि आज जमकर खरीदारी की गई बड़े फंड हाउस की तरफ से कुछ बहुत बड़ी डील है उनको हमने डिस्कस किया वैसे तो काफी ज्यादा डील हुई है लेकिन आज ये बात तो समझ में आ रही है कि बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे शानदार खरीदारी शुरू की है स्पेशली ये एफ की तरफ से खरीदारी हो सकती है तो निवेश को इसमें बनाए रखें स्टॉक बाकी मजबूत है क्योंकि अब यस बैंक की जो पुरानी सारी टेंशन थी वो खत्म होती हुई जा रही है आने वाले समय यस बैंक आपको मजबूती के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी और जल्द ही स्टॉक आपको थ्री डिजिट में भी जाता हुआ दिखाई देगा लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक